सूर्य प्रताप भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा नहीं इस बात पे कि बिजली तारा हो सकती है। मुझे इसलिए लेके आया है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। और अपहरण कर लिया तुमने शौर्य का, पगला गए हैं सब। उनसे कह दो हर बात पे राई का पहाड़ बनाने की कोई आवश्यकता ना है। इस धरती पर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आई समझ? कैसे सुनाओ? अगर खेलते खेलते चोट लगी और बेहोश हो गया तुम तो कह दो कि देखो 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 कितनी सुकून की नींद सो रहा है। बिजली के आगे ढेर धुरंधर, बिजली सब में सबसे सुंदर, आई समझ? हाँ तो वही है, तारा तारा के पीछे मतलब हम हैं कि बता मतलब होता ना उसको उसको रियलाइज़ करवा सकें कि तारा को जल्द से जल्द याद आ जाए और शौर्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए, शौर्य की आवाज़ आ जाए, तारा की याददाश्त वापस आ जाए। तो इसी कोशिश में लगा हुआ ध्रुव, और सूर्य प्रताप भी चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा नहीं इस बात पर कि बिजली तारा हो सकती है। बट इसी बात का एहसास करवाने के लिए ध्रुव उनके पीछे लगा हुआ है बार 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 बार। लेकिन हाँ, इतनी दोस्ती प्रताप जी और ध्रुव की है कि वो थोड़ा सा संभल जाते हैं, संभाल लेते हैं खुद को और अपने आसपास के सैनिक जो उनको भी संभाल लेते हैं, नहीं तो कब की ध्रुव की गर्दन कट के साइड पड़ी होती देव वल्लभगढ़ के नाले में। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बिजली से बाहर आया था घूमने के लिए। घोड़ा भी चलवा रही थी, खिलवा रही थी और ग्रेप वो मुझे इसलिए लेके आया है, मुझे नींद नहीं आ रही थी और थक जाऊँ और मैं सो जाऊँ।